back to my DIY hub. Video शुरू करने से पहले मेरा request है कि please मेरे channel को subscribe कर ले। Guys, मेरा आज का video topic है skin pigmentation. कई बार आपने notice किया होगा कि आपका skin का कुछ हिस्सा आपके regular skin color से dark या light हो जाता है। इसे हम skin pigmentation कहते हैं। और अगर ये ज़्यादा हो गया तो आपकी skin tone पूरी तरह से uneven हो जाती है, जो दिखने में बहुत ही खराब लगती है। प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लो हो सकता है इसके कारण। फेस पे होठों के आसपास काला पड़ना, फोरहेड का डिस्कलर होना, ये सब कॉमन एग्जांपल्स है पिगमेंटेशन का। इसके कारण तो बहुत सारे हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट मेन कॉज है होता है इसका सन एक्सपोजर। आपको ये पता ही होगा, अगर आपका फेस या बॉडी का कोई हिस्सा सन में ज्यादा देर तक एक्सपोज हुआ, चाहे रीजन कोई भी हो, मेलानिन प्रोडक्शन अगर ज्यादा हुआ तो वो हिस्सा काला पड़ जाता है। तो आज मैं आपको दो रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे आप पिगमेंटेशन को नेचुरली घर पे ही क्योर कर सकते हैं और बाजार में भरे पड़े केमिकल लेदन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। पहली रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एलोवेरा जेल। ये पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव होम रेमेडीज है। एलोवेरा स्किन के नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब किए बिना उसको बहुत अच्छे से क्लेंस करता है। प्लस ये स्किन के डार्क स्पॉट, स्कार्स और ब्लेमिशेस को फेड करता है। ये हमारे स्किन को यूवी रेज से डैमेज होने से भी बचाता है। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा हनी। इस रेमेडी के लिए हमें रॉ शहद यूज करना है, बट फिर मेरे पास नहीं था तो मैंने यही यूज कर लिया। शहद एंटीबैक्टीरियल होता है नेचर में, इसीलिए ये केपेबल है टू गेट रिड ऑफ डार्क स्पॉट्स एंड स्कार्स। इसमें मॉइस्चराइजिंग अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को हटा के स्किन को टॉक्सिन फ्री रखता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए क्लीन बोल लें और सबसे पहले उसमें एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल का डालें। अब इसमें आधा बड़ा चम्मच शहद डाल दें और अच्छे से मिला लें इसको। दैट्स इट, आपका मिक्सचर रेडी है। अपना फेस क्लीन करके इसको इफेक्टेड एरियाज पे लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर गुनगुने गर्म पानी से धो लें और 2 हफ्तों तक रोज इसे करें विजिबल डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट रेमेडी के लिए चाहिए होगा हमें एक ऑरेंज। एक्चुअली हमें चाहिए होगा एक ऑरेंज का पीस। संतरे में साइट्रिक एसिड होती है जो मेलानिन कंटेंट को कम करता है और आपकी पिगमेंटेशन क्योर हो जाती है। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा नींबू का रस, जो अगेन एक ब्लीचिंग एजेंट है और स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइट करता है नेचुरली। अगला हमें चाहिए होगा रॉ मिल्क या कच्चा दूध। इसमें लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए मेलानिन प्रोडक्शन को कम करके आपके चेहरे को गोरा बनाता है। लास्टली हमें चाहिए होगा शहद या हनी। इसके बेनिफिट्स मैं गाइस आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर अगेन। अब आइए देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। सबसे पहले एक संतरा लेके उसे अच्छी तरह से पूरा छील लेंगे हम, और ये छिलके जो है उसे ही यूज करना है। एक पूरा ऑरेंज का हमें यूज करना है छिलका। आप इसके जगह घर पे बनाए हुए या रेडीमेड ऑरेंज पील पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फूड प्रोसेसर ले लिया है और सारे ऑरेंज पील्स को मैं उसमें डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से दरदरा पीस ले। Meanwhile, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एक नींबू ले और उससे एक छोटा चम्मच नींबू का रस निचोड़ के डाल दें। फिर इसमें थोड़ा दूध डालें। दूध बाद में हमें और डालना है इसको एक पेस्ट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। अब एक छोटा चम्मच इसमें शहद डाल दें और फिर से इसको ग्राइंड कर लें अच्छे से। आप देख सकते हैं कि यह मिक्सचर अभी तक दरदरा है, तो तब तक दूध डालते रहिए जब तक आपको एक पेस्ट कंसिस्टेंसी इसकी ना मिल जाए। फाइनली ये एक लंपी पेस्ट फॉर्म में आ गया है, तो ये रेडी है आप यूज करने के लिए। इसे यूज करने के लिए सबसे पहले अफेक्टेड एरियाज को क्लीन कर लें और फिर उन एरियाज पे इसे लगा के छोड़ दें। कम से कम 20 मिनट तक रहने दें इसे, उसके बाद गुनगुने गर्म पानी से धो लें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे वीक में 3 से 4 बार करें और जल्दी ही आपको डिफरेंस पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं, प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।